What is up, beautiful people? So, अभी मैं इस हालत में इसलिए हूँ क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ पार्टी में. एक बर्थडे पार्टी है, मतलब मेरे भांजे की बर्थडे पार्टी है, तो उसमें जा रहा था. सो उसमें जाने के लिए मैं रेडी हो रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो शूट करता हूँ. मैं क्या पहन रहा हूँ, कौन से जूते पहन रहा हूँ, बाल कैसे बना रहा हूँ, सबका सब मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि पार्टी में सबके सब जाते रहते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. बट सबसे पहले जो मुझे बाल बनाने थे, अभी क्या हुआ, लाइट भाग गई. वीडियो जैसे ही शूट करना शुरू किया ना, लाइट भाग गई और बाल हो रहे हैं मेरे पूरे के पूरे गीले. तो अभी हेयर ड्रायर वगैरह कुछ भी नहीं चल पाएगा, अभी लाइट का इंतजार करता हूँ. और इतने में पहले कपड़े दिखा देता हूँ कि मैं कौन से कपड़े पहन रहा हूँ. सो फिलहाल जो मैं पहनने वाला हूँ आज पार्टी में, वो है ये ये सिल्क कुर्ता. ये बहुत अच्छा प्रिंटेड सिल्क का कुर्ता है, मुंह में मेरे बाल आ गए थे. सो ठीक है, ये बहुत अच्छा सिल्क का प्रिंटेड कुर्ता है. इसका फैब्रिक बहुत ही ज्यादा लाइट है, मतलब कि ऐसा लगता है कि अगर इसको थोड़ा सा भी स्ट्रेच करोगे फट जाएगा, इतना अच्छा है. और इसके साथ मैं पहन रहा हूँ ये चूड़ी वाला गोल्डन, ये भी सिल्क का पजामा है. तो सिल्क का कुर्ता, सिल्क का पजामा. अब बचता है हमारा जो पहनने का है, इसके साथ के शूज. इसके नीचे मैं क्या पहन रहा हूँ, तो मैं दिखाता हूँ कि शूज कौन कौन से चॉइस है हमारे पास पहनने के लिए. तो सबसे पहले ये हमारा शू है. अब मेरे बहुत सारे भाई बोलेंगे कि यार इसके ऊपर, चूड़ी वाले पजामे के ऊपर कौन स्नीकर पहनता है. हम पहनते हैं भाई. ये वाला वैसे स्टाइल मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है, आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा. दूसरा है हमारा ये रेड लेसिस वाला हमारा नॉर्मल शू, जो कि अच्छा, इसके अंदर दोनों रेड लेसिस, रेड कुर्ता और ये दोनों चल सकते हैं. उसके बाद ये चेल्सी रेड बूट. अब कुर्ते के अंदर थोड़ा थोड़ा सा रेड कॉन्ट्रास्ट है, फ्लावर्स है प्रिंटेड, और ये रेड चेल्सी बूट इसके अंदर भी कॉन्ट्रास्ट है, तो ये भी चल सकता है. भाई साहब, पिछले आधे घंटे से भी ज्यादा से वेट कर रहा था. 7:30 बजे पार्टी में जाना है और टाइम क्या हो रहा है, 7:10. चलो हेयर ड्रायर करते हुए ना थोड़ी सी बात का ध्यान रखना. सबसे पहले जब भी हेयर ड्रायर करते हो, सबसे पहले तो फुल उस पर गई, वैसे मैंने पहले ही बताया बट दोबारा बता देता हूँ, फुल हीट पर आपने बाल ड्राई करिए. उसके बाद बाल हीट को एक पॉइंट कम करके दोबारा से ड्राई करना. ठीक है, और जब पूरे के पूरे बाल लग जाए ना, कि पूरे के पूरे बाल ड्राई हो चुके हैं, फिर उसके बाद सिर्फ कोल्ड पर ड्राई करना. उससे कोल्ड पर ड्राई होने से क्या होता है, हेयर के जो क्यूटिकल्स वगैरह ओपन हो जाते हैं ना, वो वापस से क्लोज हो जाते हैं. और क्लोज करते टाइम ना, जब कोल्ड पर ड्राई करोगे, तो उस पोजीशन में ड्राई करना जिस पोजीशन में आप अपने बाल सेट करना चाहते हो. ठीक है, 2 मिनट लगे हैं सिर्फ हेयर ड्रायर को यूज करने में और बाल सेट. अब मैं लेकिन यार पार्टी में ना बाल बिल्कुल भी खोलकर ओपन करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और जब पसीना आता है ना, तो ये सारे बाल ना फेस पर चिपकते हैं और नेक वगैरह पर चिपक के बहुत ज्यादा गंदे लगते हैं. मैं पहनकर वो बनाकर जाऊंगा पोनी टेल, अभी दिखाता हूँ. टेल को बनाने से पहले ना मैं कुर्ता पहन लेता हूँ. मैंने कुर्ते का टैग भी अभी तक नहीं फाड़ा है, क्योंकि मैंने इसको पहनकर ही नहीं देखा अभी तक कैसा आएगा इसकी फिटिंग. शायद फिटिंग अच्छी आ जाए, वरना आज का तो खराब हो जाएगा. पोनी टेल अभी बाद में बनाऊंगा, क्योंकि कुर्ता पहले पहन लेता हूँ, उससे क्या होगा ना बाल नहीं खराब होंगे, वरना पोनी टेल बनाने के बाद कुर्ता जब पहनते हैं ना तो बाल खराब हो जाते हैं. ओ ब्रो, कुर्ता की फिटिंग तो एब्सोल्युटली सेक्सी आई है. एक तो सिंपल सा अपना सिंपल सोबर ये लुक हो चुका है. ठीक है, अभी मैं पूरा का पूरा फुल फोटोज यहाँ पर डाल दूंगा मैं कैसा लग रहा हूँ. ठीक है, अब जो बाकी के काम है ना वो करते हैं. चलो अब कर लेते हैं हम वापस से बाल सेट पोनी. और मैं ना इसमें आपको एक मैजिक एक हैक बताने वाला हूँ. जब भी आप पोनी टेल वगैरह टॉप नॉट वगैरह बनाएंगे अपना, तो उसमें एक मैजिक है. जब भी आप पहले तो पोनी टेल बना लो, ये बन चुकी है हमारी टॉप नॉट. अब जो हेयर है क्या, वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर. अब देखो क्या होता है ना, हमारे सर पर ना यहाँ पर बहुत सारे ना बेबी हेयर होते हैं, और जब हम बाहर कहीं पर जाते हैं, बाइक से जा रहे हैं, कहीं पर भी हैं, तो उसमें जो भी हवा लगती है ना बाल से, तो वो बेबी हेयर बाहर निकल कर आ जाते हैं, जो कि पूरे का पूरा हेयर स्टाइल खराब कर देते हैं. तो उसके लिए ना वैक्स लगा सकते हैं, बट वैक्स में क्या होता है ना, बाल बहुत हार्ड हो जाता है. तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर लगा लेता हूँ निविया. ये निविया की ना मॉइस्चराइजर की क्रीम है, बट मैं इसको अपने हेयर पर यूज़ करता हूँ. इसको थोड़ा सा क्रीम को लिया हाथ पर,
इतना इतना लिया और इसको लेने के बाद इसको अपने हाथ पे ऐसे किया और इसको अपने हेयर पर ऐसे कर लिया आपने। अब इससे हेयर को कोई नुकसान भी नहीं होता है और जो भी बेबी हेयर होते हैं ना वो वापस से चिपके रहते हैं, स्टिक रहते हैं, वो बाहर से निकल कर नहीं आते। सुबह आ जाता है हमारा वॉच का टाइम और वॉच के लिए हमारे पास ये कुछ चॉइसेस हैं। चॉइसेस के अंदर हमारी एक तो ये है, एक ये है, ये। अब इसमें से हम कौन सी पहनते हैं, तो सबसे पहले ये वाली नहीं पहन सकते क्योंकि ये तो थोड़ी हमारी स्पोर्ट्स टाइप में वॉच है, तो हमारे जिम के लिए हो चुकी है। और ये वाली गोल्डन अच्छी है बट इसको नहीं पहन सकते क्योंकि ये थोड़ी शादी टाइप की हो गई है, इसको भी नहीं। और उसके बाद बचता है हमारा ये, जैसे कि हमारा कुर्ता थोड़ा ग्रीन सा भी है, हम इसको पहन सकते हैं बट ये टी शर्ट पे ज़्यादा अच्छी लगती है, ये कुर्ता के ऊपर ज़्यादा क्लासिक या सेक्सी नहीं लगेगी, इसको भी रहने देते हैं। और उसके बाद बचती है ये थोड़ा सा मैंने पहनी थी शायद, इसलिए इन दोनों को पहन सकते हैं। और इन दोनों में से मैं ट्राई कर रहा हूँ ये वाली पहनता हूँ मैं, ये वाली ज़्यादा बेटर लगेगी उसके ऊपर। और ये पता नहीं किसको कॉल लगाने पर लग चुका है, देखना। हे डार्लिंग, कॉल बेबी। कॉल असद। लोल, इसको मेरा नाम नहीं पता। कॉल ASAD motherfucker। इसका दिमाग खराब हो गया। चलो रहने दो, अब ये वाली वॉच पहनते हैं। सो ये वाली वॉच पहन रहा हूँ और सब मेरे से पूछते हैं कि यार तुम राइट हैंड में वॉच क्यों पहनते हो। सो यार वॉच के कुछ रूल्स नहीं है, आप चाहे राइट में पहन सकते हो चाहे आप लेफ्ट में पहन सकते हो। इसलिए अगर कोई आपको सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर या कहीं पर भी सो कॉल्ड गुरु जो होते हैं ना, जो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन देते हैं बस बकवास करे जा रहे हैं कि राइट में पहनो लेफ्ट में पहनो, वो बस क्या बोलूँ उनके बारे में। सो कोई रूल नहीं है कि राइट में पहननी है लेफ्ट में पहननी है, आपको जिस हाथ में अच्छा लग रहा है उसमें पहन सकते हो। फिलहाल ये मैंने ऐसे पहन लिया और ये ऐसे लग रहे हैं। अब बचता है हमारा लगाने के लिए परफ्यूम, सेंट लगाते हैं। मैं कौन सा सेंट लगाता हूँ वो दिखाता हूँ। सो ये रहा मेरा परफ्यूम, जिसको इत्र भी बोलते हैं उर्दू में। ये ना ख़त्म होने वाला है, थोड़ा बचा है। और इसकी अगर फ्रेग्रेंस की बात करूँ ना, ओफो एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये ध्यान आ गई। मैंने इसको ना लगा के ना अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता था तो वो मुझे बोलती है कि असद तुम जो परफ्यूम लगाते हो ना वो मेरे कपड़ों में से आने लग जाती है। और ना उसके पूरे घर में उसकी सिस्टर्स और उसकी मम्मी वगैरह पूछती हैं कि ये कहाँ से आ रही है फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी। ओह, तो मतलब कि ना ये स्पेशल मैंने अपने ऑर्डर पर तैयार करा रखी है अपने लिए। इसको ऐसे ऐसे लगाएंगे, इसको थोड़ा सा नेक के पास भी, कि अगर कोई हग करने लग जाए तो नेक के पास से भी आपकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही हो। ठीक है, ये रहा है हमारा कुर्ता और तुम्हारा भाई फुल्ली रेडी। ये रही है वॉच और पूरा का पूरा रेडी। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप सब भी अपनी पार्टी के लिए रेडी हो चुके होंगे। अभी हो चुकी है मुझे देर, 7:30 बज चुके हैं, मेरा पार्टी जाने का टाइम हो चुका है। मैं चलता हूँ और पार्टी में जाने से पहले गिफ्ट ले जाना मत भूलना, मेरे भांजे का बर्थडे है तो मैं उसके लिए थोड़े से गिफ्ट्स लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखना, लव रेस्पेक्ट। चलो अभी कर देता हूँ, पीस।